111 मैंने पूछना क्या है? चलो कोई नहीं, छोड़ो रहने दो। पैक अप, घोड़े बुला लो। बोलो फैजान। कितने घोड़े हैं? फैजान जितने हैं सारे बुला लो। मेरे को घोड़े तो है नहीं, कल ये घोड़ियां ले। घोड़ियां चलेंगी। वेरी गुड फैजान, ऐसे पूछ पूछ के डायलॉग बोलोगे बेटा। तो सर, चंडीगढ़ में बहुत बज है सिख लेंस के बारे में आजकल। सुना है कि एक फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो आप बता सकते हो उसके बारे में कुछ? सो गुरलीन, सिख लेंस एक ऐसा फिल्म फेस्टिवल है जो कि कैलिफोर्निया बेस्ड है और ये पिछले 18 ईयर से कैलिफोर्निया में हो रहा है। वहाँ पे यू नो वर्ल्ड की बेस्ट सिख फिल्म, सिख सेंट्रिक फिल्म, यानी कि जो फिल्म जो कि सिख लोगों ने बनाई है या सिख सब्जेक्ट्स के ऊपर और लोगों ने बनाई है यू नो, तो वो पिछले 18 ईयर से कैलिफोर्निया में हो रहा है और अक्रॉस द वर्ल्ड इन कैनेडा और इन यू नो यूनाइटेड स्टेट्स, इन ऑस्ट्रेलिया, वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि हम ये फिल्म फेस्टिवल इंडिया लेके आ रहे हैं और वो भी हमारे अपने चंडीगढ़ में। तो सर, आपको इंस्पिरेशन कैसे मिली इसको इंडिया में लाने की? फिल्म कैलिफोर्निया डायरेक्ट टू इंडिया। तो बहुत सालों से यू नो क्या हो रहा था कि यू नो इंडियन फिल्म मेकर्स अपनी फिल्म्स बना के फॉरेन फिल्म फेस्टिवल्स में भेज रहे थे, पर बहुत सारे फिल्म मेकर्स ना अपनी फिल्म्स को देखने वहाँ जा नहीं पाते हैं और बहुत सारे इंडियन फिल्म मेकर्स ने सिख लेंस में अपनी फिल्म्स भेजी भी हुई हैं पिछले कई सालों में। तो इस साल क्या है कि हमने वो कोशिश की, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ से बाहर तो जा नहीं पा रहे हैं और बहुत सारी सिख कम्युनिटी इंडिया में ही रहती है, बाहर तो जितनी है ही है उतनी इंडिया में भी है। सो वी थॉट यू नो वाई नॉट ब्रिंग दैट फेस्टिवल टू इंडिया एंड यहाँ की जो कम्युनिटी है, यहाँ के जो सिटीजन्स है, उनको वो बेस्ट ऑफ द फिल्म्स दिखाई जाएँ। तो सर, इस फिल्म फेस्टिवल में ऐसा क्या स्पेशल, ऐसा क्या डिफरेंट है जो ये बाकियों से अलग है बिल्कुल? देखिए, एक तो ये सिख सेंट्रिक सब्जेक्ट्स के ऊपर फिल्म्स हैं सारी, है ना, और इसमें हम एक दिन के अंदर वी आर शोइंग 17 फिल्म्स। यू नो इमेजिन द नंबर ऑफ फिल्म्स। हमारे पास तीन सेशन है, 12 से 2, 3 से 5 और 6 से 8 का। ईच सेशन में अप्रॉक्सीमेट यू नो 6 से 5 फिल्में, किसी सेशन में 6, किसी में 5, किसी में 6। एंड द ब्यूटी ऑफ द फेस्टिवल इज़ कि इसमें 5 फिल्म्स इंडियन प्रोडक्शंस हैं और 12 फिल्में फॉरेन प्रोडक्शंस हैं, यानी कि सिख कम्युनिटी जो इंडिया के बाहर रहती है उनके द्वारा प्रोड्यूस की हुई फिल्म्स हैं। और ये वो फिल्म्स हैं जो आपको इंटरनेट पे, टीवी पे, कहीं भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म पे देखने को नहीं मिलेंगी, वो ही रेयर सिलेक्ट फिल्म्स आपको ये फेस्टिवल में देखने को मिलेंगी। ग्रेट सर, तो मैंने ये भी देखा है कि आप लोग एक आर्टिस्ट परफॉर्मेंस सेक्शन भी रख रहे हैं, तो उसमें आप कैसे आप परफॉर्मेंसेस दिखाएंगे, लाइक व्हाट विल बी? राइट, सो द ब्यूटी इज कि यू नो दिस इज सिख आर्ट एंड फिल्म फेस्टिवल, सो नो द आर्ट एलिमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। सो सिख आर्ट्स में क्या है कि यू नो वी हैव यू नो बेस्ट ऑफ द आर्टिस्ट हु आर अवेलेबल ड्यूरिंग दीज डेट्स, यू नो हु आर गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड होल्डर्स, लिम्का वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड होल्डर्स, इंडिया वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड होल्डर्स, वेरियस, एंड दे हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड यू नो, चाहे वो सिख रिलीजन को बिलोंग करते हों चाहे वो किसी और को, बट उनका वर्क ऑफ आर्ट कोई सिख प्रिंसिपल या कोई सिख हेरिटेज डिपिक्ट करता है। यू हैव द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट काइट दैट कैन पास थ्रू अ पिन बाय डॉक्टर सैगल, ऑलमंड आर्टिस्ट ऑलमंड सिंह नाम से है, है ना, सो ही इज़ कमिंग। एंड वी हैव यू नो रेयर सिलेक्ट गुरुद्वारा ऑफ पंजाब एग्जीबिशन कमिंग अप, सो एंड दैट्स ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो नो वो आर्टिस्ट की कितने सालों की मेहनत है, कितने अटेम्प्ट्स हैं विच वी आर ब्रिंगिंग लाइव टू पीपल की, और वो आर्टिस्ट प्रेजेंट भी होंगे, दैट इज़ द ब्यूटी। नाउ सिटीजन्स, बच्चे, दे कैन ऑल कम एंड सी, दे कैन मीट, दे कैन गेट देमसेल्फ क्लिक, एंड दे कैन ऑल्सो क्लिक पिक्चर्स ऑफ दीज वंडर्स दैट दे हैव यू नो प्रोड्यूस्ड सो फार। सो सर, जैसे आपने कहा कि 17 फिल्म दिखा रहे हैं, तो आप कोई एक दो फिल्म के बारे में बता सकते हैं जो कि इंटरेस्टिंग है, जो कि डिफरेंट? आई टेल यू वन थिंग गुरलीन, वेरी सिंपल क्लियर, यू नो ऑल द फिल्म्स आर स्पेशल फिल्म्स, यू नो दे हैव बीन यू नो हैंड पिक बाय अ ज्यूरी एंड यू नो बड़ा काम इस पे हुआ है, एंड आई रीड आउट ऑल द नेम्स। यू नो बेनेडिक्शन विल ओपन द फेस्टिवल, देन वी हैव लायंस ऑफ लंडन फ्रॉम यूके, देन आई हैव आई रन वाइल टॉकिंग टू गॉड दैट इज फॉर जस्ट हिसाब डॉक्यूमेंट्री, यू नो शेड्स ऑफ इंडिगो ग्रोइंग लाइफ इन सेशन 2, देन वी हैव सिख फॉर मैगियो, राइड विद प्राइड, रूह, रेड वाइट एंड बियर्ड, द प्रिजनर सॉन्ग, पग, स्टाइल विद कॉर, एंड देन इन द थर्ड फिल्म सेशन वी हैव जुबान, शी हू क्वेश्चंस, द सिंह ट्विंस, स्कार्स दैट रिमेन आफ्टर 100 ईयर ऑफ जलियांवाला बाग, एंड 84, दैट कंक्लूड्स द फेस्टिवल। राइट, सारे ही नेम बहुत इंटरेस्टिंग है जैसे आपने बताए। तो सर, हाउ कैन पीपल बी अ पार्ट ऑफ दिस फेस्टिवल? द बेस्ट थिंग, पीपल शुड एक्चुअली कम एंड वॉच द फिल्म्स, यू नो दे शुड एंजॉय यू नो द वर्क द फाउंडेशन, सिख लेंस फाउंडेशन, द एडमिनिस्ट्रेशन एंड आवर टीम इज एक्चुअली पुटिंग अप फॉर पीपल टू कम एंड वॉच दिस फिल्म फेस्टिवल फॉर फ्री। You know, it's once in a lifetime thing going to happen, and it happens once in a year. So, you know, if they miss out this year, then they'll have to wait till next year for this festival to come. So, हमारे जितनी भी films हैं,
उनका शेड्यूल जो है वो इंटरनेट पे, यू सी दिस शेड्यूल आउट हियर। तो ये फिल्म्स हैं, ये सारा शेड्यूल आपको व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पेजेस पे, फेसबुक पे, सिख लेंस इंडिया 2020 नाम से आप इवेंट सेक्शन पे चले जाएंगे तो आपको ये शेड्यूल्स आपको दिखने शुरू हो जाएंगे, सिख लेंस की वेबसाइट पे मिल जाएंगे। और खासकर चंडीगढ़ के सिटीजन्स जो हैं, अगर वो टैगोर थिएटर जाएंगे तो वहाँ पे नोटिस बोर्ड्स पे, पंजाब यूनिवर्सिटी में जितनी जगह भी पब्लिक नोटिस बोर्ड्स हैं वहाँ पे ये पोस्टर्स पहुँचाए जा चुके हैं, तो पीपल कैन एक्चुअली गो एंड यू नो वो पढ़ सकते हैं कि वो कौन सी फिल्म देखना चाहते हैं एंड दे कैन कम एंड वॉच दैट फिल्म एट दैट टाइम। Sir, what makes this so special and different from others? This is not a celebrity-driven festival. This is people's festival. You know, these are films made by, you know, enthusiast filmmakers. These are people who have researched a lot on their films. So, ये films आपको बड़े पर्दे पे, theater में, television पे या आम किसी source के through नहीं मिलेंगे. These are very rare select curated films that run into the festivals. और इनको देखने के लिए आपको film festivals में ही जाना पड़ता है. Now, अभी हम opportunity India ला रहे हैं. I'm sure people should grab this. So guys, don't miss this opportunity. India aa rahi hai. You don't have to buy a ticket to go to California to watch this show. Book your dates 21st Feb, 11 to 8 p.m. Tagore Theatre. I'm going to be there. He's going to be there. And I wish to see you all there as well. And our films are going to be there. And Sick Lens is going to be there. So guys, grab this opportunity. We look forward.